क्या हुआ इसे? सीढ़ियों से गिर गई है, ये दरवाजा खोलें। बैठो गाड़ी में जल्दी। एक बुरी खबर है आपके लिए। अरे अब ये ना कहना कि उनका पैचअप हो चुका है। हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शहरयार अपनी बहन का घर बसाने में लगे हैं। मुझे तो लगता है कि परी का घर पर बात करने की ख्वाहिश हसरत ही रह जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम इतना गिर सकती हो मुझे अंदाजा नहीं था। किस बात का बदला ले रही हो मेरी बहनों से? बोलो। तुम तो चलो चलो मेरे साथ चलो। अरे अरे शहरयार छोड़ो, उसका तकलीफ हो रही होगी उसको। जिन्हें तुम अज़ियत देने चली थी, कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी तकलीफ की। आपको पता इसी की वजह से परी आज इस हाल में है। यही है जो कुलसूम आंटी के साथ मिलकर बाबर और परी के दरमियान दूरियों का सबब बनी है। पूछे इससे। वाकई परिया, क्या शहरयार सही कह रहे? मैंने खुद अपने कानों से इसकी सारी बातें सुनी है। इस काबिल नहीं है ये कैसे इस घर में रखा जाए। मैं छोड़ रहा हूं तुम्हें, तुम्हें तलाक। खबरदार एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से इसके बाद। एक लफ्ज और कहा ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हमी इसकी वजह से परी और शिजा का घर बर्बाद हुआ है, आप अब भी इसका घर बचा रही हैं। तुम मर्दों को औरत को सजा देने का सिर्फ एक ही तरीका आता है, तीन लफ्ज तलाक के बोले और रिश्ता खत्म कर दिया। ने जो कुछ किया ये इसका फेल। तुम मेरे बेटे हो, कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मेरी तरबियत पर हर पाए। ठीक है अम्मी, नहीं आएगा आपकी तरबियत पर कोई हर। के रहे यहीं मेरे साथ लेकिन अजनबियों की। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद होने से बचाया है, लेकिन तुमने परी का घर बर्बाद करके जो गुनाह किया है उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। समझ गई?